बदले हुए जम्मू कश्मीर में नज़ारा ही अलग है। लाल चौक पर जहां गोलियां बरसाई जाती थीं, आज उस लाल चौक पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर कीर्तन होता है। 500 रुपए की पत्थरबाजी की दिहाड़ी वाली इकोनॉमी से अब जम्मू कश्मीर एक बार फिर से विकास के नए स्तर पर पहुंचने को तैयार है। अब सही मायने में जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। आपको बता देते हैं, सोमवार को विकास के नए दरवाजे खोलते हुए इस नए यूनियन टेरिटरी यानी कि संघीय प्रदेश में निवेश के लिए खोल दिया गया है। खुलते ही इस प्रदेश को भारत सरकार की ओर से लगभग 18,300 करोड़ का निवेश मिल गया जम्मू कश्मीर को। दरअसल JNK की सरकार ने सोमवार को आवास और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को विकास के लिए 18,300 करोड़ रुपए के 39 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके देश के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश का दरवाजा खोल दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब JNK में अन्य राज्यों की तरह खोलकर निवेश होंगे, रोजगार बढ़ेगा और ये विकास के पथ पर अग्रसर होगा। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन में MOU पर हस्ताक्षर हुए और इस हस्ताक्षर को एक ऐतिहासिक घटना करार देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये संघीय प्रदेश के परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परियोजनाओं के विकास के लिए 6,000 एकड़ भूमि की पहचान करी है और कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। उपराज्यपाल ने कहा, सरकार नई औद्योगिक नीति के तहत परियोजनाओं के विकास के लिए अपनी ज़मीन देगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास ज़मीन है उन्हें यह तय करने की आज़ादी हो चुकी है कि वे अपने ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। बात तो सही है, अभी तक जम्मू कश्मीर में ज़मीन और संपत्ति का जो इस्तेमाल होता था वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए होता था, लेकिन आज बदले हुए जम्मू कश्मीर में नज़ारा ही अलग है। लाल चौक पर जहाँ गोलियां बरसाई जाती थीं, आज उस लाल चौक पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर कीर्तन होता है। तो कुछ ना कुछ बदला तो है जम्मू कश्मीर में। दरअसल प्रशासन ने पिछले 2 महीनों में भूमि कानूनों में कई बदलाव किए हैं, जिसमें औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि का उपयोग करना और विकास परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि को परिवर्तित करना शामिल है। आवास परियोजनाओं के विकास के लिए शिखर सम्मेलन में तकरीबन 20 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि 7 वाणिज्यिक, 4 आतिथ्य, 3 इंफ्राटेक, 3 फिल्म और मनोरंजन तथा 2 वित्त परियोजनाओं के लिए भी हस्ताक्षर किए गए। तो बदलता हुआ जम्मू कश्मीर आज आपके सामने है। जिन रियल एस्टेट कंपनियों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सिग्नेचर ग्लोबल, सम्यक ग्रुप, रौनक ग्रुप, हीरा नंदानी कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि JNK भी अन्य राज्यों की तरह अब एक सामान्य राज्य बन रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शैलेट होटल्स लिमिटेड ने आतिथ्य के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। रहेजा डेवलपर्स, गोयल गंगा, GHP ग्रुप और श्री नमन ग्रुप ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए शुरुआती समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यानी आप देख रहे हैं एक सामान्य राज्य की ओर बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर आज सभी लोगों के लिए उनके दिल को काफ़ी सुखदायक अनुभव देता है। अब इस शिखर सम्मेलन में इसको संबोधित करते हुए प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने पहले ही रियल्टी कानून रेरा लागू कर दिया है और संघीय प्रदेश में मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाया है। उन्होंने इस बात पर यह जोर दिया कि सरकारी संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क कम करने और परियोजनाओं के तेजी से अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि हमने आज 39 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करे हैं, हमें 18,300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव अभी तक मिल चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को निकट भविष्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को बदलना है ताकि केंद्र शासित प्रदेश की जो इकोनॉमी है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़े। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि ये समझौते ज्ञापन जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेंगे। विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की जमीनें छीनने वाली विपक्षी पार्टियों की टिप्पणी पर उपराज्यपाल ने जबरदस्त प्रतिक्रिया भी दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भय पैदा करने और लोगों को उकसाने के लिए विपक्षी पार्टियों की ओर से ऐसी छीछा लेदर और बयानबाजियां की जा रही हैं। आपको ये बात हम बताते चलते हैं कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रियल्टर्स बॉडी NARDCO द्वारा किया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब से केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया है तब से
जम्मू कश्मीर में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से सरकार का पूरा ध्यान जम्मू और कश्मीर में सतत विकास पर रहा है। इस सरकार ने आरंभ से ही तेज विकास की गति के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और जिनका नतीजा आज देश के सामने आ रहा है। भारत सरकार की शुरू से ही ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिले। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद 3 से 4 जिलों को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में शांति बहाल हो चुकी है और आतंकवादी इस समय या तो कब्र में हैं या फिर जन्नत में हूरों के पास। लोग खुश हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। अब प्रदेश में निवेश के साथ ही वो राज्य अपने संसाधनों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कर सकता है, जिससे राज्य में औद्योगिक और कॉरपोरेट गतिविधि को बल मिलेगा। मतलब जिस तरीके से दिल्ली में व्यापार चलता है, पंजाब में, हरियाणा में, तमाम राज्यों में व्यापार चलता है, जम्मू कश्मीर में एक अलग ही गुंडाई थी। वहां पर केवल कश्मीरी आदमी ही व्यापार कर सकता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर को देश के सभी नागरिकों के लिए व्यापार के लिए खोल दिया है, जिससे जम्मू कश्मीर में चहुमुखी व्यापार गतिविधि होगी। साथ ही साथ जब अलग अलग राज्यों के लोग एक राज्य में व्यापार करते हैं तो वो राज्य एक मल्टीकल्चरल मल्टी डायमेंशनल राज्य बनता है, जिसकी वजह से उस राज्य का एक तो विकास होता है, साथ ही साथ उसकी एक कल्चरल ग्रोथ भी होती है। उस राज्य के लोगों के अंदर एक सामंजस्य भी लोगों के साथ आना शुरू हो जाता है। तो जिसे कहते हैं बहुसांस्कृतिक, जिसकी हम बात करते हैं प्लोरलिज्म, तो प्लोरलिज्म ये एक तरफा नहीं होता, ये दोनों तरफा होता है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए था अभी तक कि वो पूरे देश में जाएं, वहाँ पर जाकर नौकरियाँ करें, दूसरे राज्यों की और दूसरे धर्मों की लड़कियों से शादी भी करें, परंतु यही जम्मू कश्मीर के लोग अपने राज्य में बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो ऐसी दोगली राजनीति का पोषण करने वाली जो राजनीतिक पार्टियाँ थीं, आज वो और उनके सरगना एक एक साल का जो लॉकडाउन उन्होंने लॉकडाउन से पहले 370 के बाद अपने घरों में और जेलों में काटा, उसके बाद वहाँ सबकी अकल ठिकाने आ चुकी है। आज परिस्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर में देश विरोधी आवाज़ लगाने वालों की हालत ख़राब है, कईयों की ज़मीन तक कुर्की हो चुकी है। तो आज जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से व्यापार से लेकर पर्यटन तक हर क्षेत्र के अंदर नई गतिविधियां हो रही हैं, नए निवेश आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के एक चहुमुखी विकास के साथ साथ पूरे देश के साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने की जो रेल और रोड परियोजनाएँ जो चल रही हैं उनके साथ इस तरीके से आने वाला भविष्य जो दिखाई देता है, एक तो सबसे पहले भारत सरकार को ये एस्टैब्लिश भी करना होगा अपने रेल्स, अपने रोड्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। जब एक सरकार एक अपने देश के एक राज्य में विकास करती है तो उससे उस देश का उस राज्य पर जो अपना अधिकार है वो एस्टैब्लिश होता है ग्लोबल नॉर्म्स के अनुसार। अगर यहाँ पर सड़क चीन बनाएगा तो ये राज्य चीन का हो जाएगा, पाकिस्तान बनाएगा तो पाकिस्तान का हो जाएगा। तो जो जिस जगह पर विकास करेगा उसी का ही वो राज्य है। हालांकि बात सिर्फ इसकी नहीं है, सांस्कृतिक रूप से तो हजारों सालों से, लाखों सालों से जम्मू कश्मीर जो है ऋषियों की भूमि रहा है, लेकिन पिछले 1000-1500 साल में जिस तरीके से वहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य है, जो वहाँ की जो जियोपॉलिटिकल परिस्थितियाँ हैं वो बदली इस्लामिक आक्रमण के आने के बावजूद, लेकिन आज कहीं ना कहीं 370 और 35 से हटाने के बाद जो सकारात्मक परिवर्तन आज जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो आप सभी लोगों के सामने हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। आज बहुत से लोग मोदी सरकार की इस फ्रंट पर भी बुराई करते हैं कि हाँ 370 और 35 से हटे 2 साल हो गया लेकिन आतंकवाद जम्मू कश्मीर से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस बात को समझना होगा कि ये एक सीमावर्ती राज्य है और जियोपॉलिटिकल परिदृश्य के अनुसार यदि देखा जाए तो J&K की जो सीमाएं हैं वो कई देशों के साथ लगी हुई हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव जोन है। ऊपर से पाकिस्तान के साथ लगातार पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से भारत के संबंध रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बैटल जोन में कन्वर्ट हो चुका था कश्मीर। आज ऐसे राज्य में यदि 90% तक आतंकवाद का सफाया हो चुका है केवल 2-3 साल के अंदर ही, तो ये अपने आप में भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। यदि आप भी मेरी बात से अग्री करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।